हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में। वो क्या है? वो है मलेशिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। वो क्या, पहले जब भी हमें मलेशिया जाना होता था घूमने के लिए, चाहे हम 10 दिन के लिए जाएं, 15 दिन या एक महीने के लिए, हमें उसके लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। और वो वीज़ा तो कभी 10 दिन में भी आ जाता था, 20 दिन में भी, कुछ केसेस में 20 महीना भी लग जाता था, या उससे कम या ज़्यादा टाइम लगता था। बट अब ऐसा नहीं है। आपको अगर मलेशिया जाना है घूमने के लिए तो वो वीज़ा अब वहाँ की गवर्नमेंट ने, मलेशिया की गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर 2023 से वो वीज़ा फ्री कर दिया है। यानी कि इंडिया से जो भी वहाँ जाता है मलेशिया टूरिस्ट वीज़ा पे, यानी कि घूमने के लिए, उनके लिए वो वीज़ा फ्री कर दिया गया। पहले भी 30 और ऐसी कंट्री है जिनके लिए इंडिया से जाने वाले हर एक, मतलब जो भी वहाँ पे घूमने के लिए जाता है हर एक टूरिस्ट के लिए वो वीज़ा फ्री है। 30 और ऐसी कंट्री है, वो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। बट अब उसमें एक और नाम जुड़ गया है, एक मलेशिया, कि जब भी आप मलेशिया घूमने के लिए जाएं, आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, आपको कोई वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा। और ये जो वीज़ा फ्री आपको मैं बता रही हूँ मलेशिया का, ये आपका जो वीज़ा फ्री हो रहा है वो 1 दिसंबर 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक हो रहा है। आप ये ना सोचेंगे अब वीज़ा फ्री है तो शायद हमेशा ही फ्री होगा। नहीं, 1 मई 2024 तक ये अनाउंस हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट ने कि तब तक ये वीज़ा फ्री है। उसके बाद वो उनकी मर्जी है, वो उसको आगे बढ़ाते हैं, शायद आगे फिर से वो वीज़ा फ्री करें, या हो सकता है उसमें फिर चार्ज लगा दें। तो वो आपको जैसे ही उस टाइम गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट अभी ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि टूरिस्ट ज़्यादातर बहुत लोग घूमने जाते हैं। अभी दिसंबर की छुट्टियाँ होंगी, न्यू ईयर की, क्रिसमस की, है ना, तो उसमें अगर आप लोग घूमने जाना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेस है आप लोग मलेशिया जाए, बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो कि वीज़ा फ्री के बारे में, टूरिस्ट जो जाते हैं विजिट करने के लिए उनके लिए मैंने बताई है। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट आपसे डॉक्यूमेंट मांगे या ना मांगे, आप अपनी ट्रैवल आइटनरी ज़रूर बना के जाएं कि आप कौन से होटल में रुक रहे हैं, आपको कहाँ विजिट करना है, आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे भी आप कैरी करें। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे, इसको इन्फॉर्मेटिंग लगे, जो भी आपका फ्रेंड फैमिली है जो कि बहुत ज़्यादा घूमने का शौकीन है, आप उसे वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मलेशिया में फ्री वीज़ा लेकर जा सके। बाकी वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।